हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज ये महाभारत की कथा का 29वां सोपान है। तो और इंतजार न करते हुए जगतगुरु वासुदेव श्री कृष्ण का नाम लेकर चलिए इस कालजयी कथा को अनबॉक्स करते हैं। वैश्वपान जी कहते हैं, राजन, एक बार वृष्णी, बोझ और अंधक वंशों के यादवों ने रेवातक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपार संपत्ति का दान किया गया। यदुवंशी बालक सज धज कर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बबरू, विदुरथ, निषठ, चारुदेष्णु, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकी, हार्दिक्य, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान प्रधान यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व और बंदी जन उनका वेद बखान रहे थे। गाजे बाजे नाच तमाशे की भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से साथ साथ घूम रहे थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा कि क्षत्रियो के यहाँ स्वयंवर की चाल है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। क्षत्रियों में बलपूर्वक हार कर ब्याह करने की भी नीति है। तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ये सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूत के लौट आने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी सलाह दे दी। एक दिन सुभद्रा ने रेवातक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बिठा लिया और उस सुवर्णमय रथ से अपने नगर की ओर चल दिए। सैनिक सुभद्रा हरण का ये दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारका की सुधर्मा सभा में गए और वहाँ का सब हाल कहा। सभापाल ने युद्ध का स्वर्ण जटित डंका बजाने का आदेश किया। वो आवाज सुनकर बोझ, अंधक और वृष्णी वंशों के यादव अपने जरूरी काम काज छोड़कर वहाँ इकट्ठे होने लगे। सभा भर गई। सैनिकों के मुख से सुभद्रा हरण का वृतांत सुनकर यादवों की आंखें चट गई। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेना ही निश्चित किया। कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बांधने लगा, कोई ताव के मारे खुद घोड़ा जोतने लगा। युद्ध की सामग्री इकट्ठी होने लगी। बलराम जी ने कहा, यदुवंशियो, श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? इस झूठ मूठ की गरजने का अभिप्राय क्या है? इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, तुम्हारी इस चुप्पी का क्या अभिप्राय है? तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। वह उत्तम वंश का होनहार युवक है। उसके साथ संबंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी उसने ये साहस करके हमें अपमानित और अनादरित किया है। उसका ये कार्य हमारे माथे पर पैर रखने के बराबर है। मैं यह नहीं सह सकता। मैं अकेला ही समस्त कुरु वंशियों के लिए काफी हूँ। मैं अर्जुन की ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता। बलराम जी की वीरोचित बात का सब यदु वंशियों ने अनुमोदन किया। सबके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। महात्मा भारत के वंशधर और कुंती भोज के दौहित्र को कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे नापसंद हो सकता है? अर्जुन को जीतना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए दुष्कर है। इस समय उस फुर्तीले जवान योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मित्र भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो यदु वंश की बड़ी बदनामी होगी। यदि उसे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा। सब लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ। विवाह के बाद वे एक वर्ष तक द्वारका में रहे।
और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन ने नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में नमस्कार करके ब्राह्मणों की पूजा की। द्रौपदी ने उन्हें प्रेम भरा उलाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर वालिन के वेश में रनिवास में गई। कुंती के चरण छुए। सर्वांग सुंदरी पुत्र वधु को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छूकर कहा कि बहन, मैं तुम्हारी दासी हूँ। द्रौपदी ने प्रसन्नता से भरकर गले लगा लिया। अर्जुन के आ जाने से महल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारका में ये समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, बहुत से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके पुत्र पौत्र तथा बहुत सी सेना भी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुई। उनके शुभागमन का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अगवानी करने के लिए भेजा। सारा इंद्रप्रस्थ झंडियों और फूल पत्तों से सजा दिया गया। सड़कों पर छिड़काव कर दिया गया। चंदन और अगर की सुगंध चारों ओर फैल गई। श्री कृष्ण और बलराम ने राजभवन में पहुंचकर सबके साथ प्रणाम आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। सबकी यथा योग्य आवभगत की गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया। किनकिनी जाल मंडित, चार घोड़ों से युक्त चतुर सारथी सहित सुवर्ण जटित एक सहस रथ, मथुरा देश की दुधार एवं पवित्र 10,000 गौए, 1,000 सुवर्ण भूषित सफेद रंग की घोड़ियां, सदी हुई तेज चाल की 1,000 बढ़िया खच्चरियां, सब प्रकार से योग्य सहस दासियां, 1,00,000 घोड़े और कीमती कपड़े तथा कंबल भी दिए तथा 10 भार सोना और 1,000 मदमत हाथी दिए गए। युधिष्ठिर की संपत्ति बढ़ गई। सब लोग राजभवन में रहकर आमोद प्रमोद करने लगे। पांडवों के आनंद का ठिकाना न रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनों तक वहां रहकर द्वारकापुरी चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ में ही रह गए। समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने 10,000 गौए, बहुत सा सोना और रत्न धन आदि का दान किया। अभिमन्यु पांडवों को, श्री कृष्ण को और पुरवासियों को बहुत प्यारे लगते थे। श्री कृष्ण ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। वेदाध्ययन के बाद उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे। द्रौपदी के गर्भ से भी पांचों पांडवों के द्वारा एक एक वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपका पुत्र शत्रुओं का प्रहार सहन करने में विंध्याचल के समान होगा, इसलिए उसका नाम प्रतिविंध्य होगा। भीमसेन ने एक सहस्र सोम यज्ञ करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए उनके पुत्र का नाम सुतसोम होगा। अर्जुन ने बहुत से प्रसिद्ध कर्म करने के अनंतर लौटकर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा श्रुतकर्मा। कुरु वंश में पहले शतानिक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। नकुल अपने पुत्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहते हैं, इसलिए इस पुत्र का नाम शतानिक होगा। सहदेव का पुत्र कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन होगा। धौम्य ने इन बालकों के संस्कार विधि पूर्वक कराए। बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। इन सब बातों से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। महापुराण महाभारत में आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ये कथा और भी रोचक और ज्ञानप्रद होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।